करोड़ों की बस पर बाइक। जी हाँ, सुनने में जरूर अजीब लगेगा, लेकिन हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी बस जिसमें है हार्ले डेविडसन की बाइक, जो मध्य प्रदेश के कई शहरों में पहुंचकर बाइक्स के दीवानों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। क्या है इस बस की खासियत, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। बाइक राइडिंग तो आज हर युवा का पैशन बन चुका है, खासकर हार्ले डेविडसन पर। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी बाइक है जिसके आगे मर्सिडीज जैसी महंगी कारों की ड्राइव भी फीकी पड़ जाती है। जोश, जुनून और पैशन का दूसरा नाम है हार्ले डेविडसन राइड। वैसे तो हार्ले डेविडसन की हर राइड यादगार होती है, लेकिन इन दिनों इंदौर पहुंची एक बस में हार्ले की बाइक सवार है। करोड़ों रुपए की आधुनिक बस मर्सिडीज कंपनी की है, जिसे डिजाइन किया है मशहूर ऑटोमेटिक डिजाइनर दिलीप झाबड़िया ने। ये आकर्षक बस इन दिनों प्रदेश की सड़कों पर देखने को मिल रही है। बस की कीमत 2 करोड़ रुपए है, जो बड़े से बड़े और छोटे शहरों में पहुंचकर हार्ले की बाइक्स का प्रमोशन कर रही है। इस बस में 6 लाख से 60 लाख रुपए तक की आधुनिक बाइक मौजूद है, जो बाइक्स के दीवानों को खूब आकर्षित कर रही है। इस बस की खासियत और इससे जुड़े तकनीकी पहलुओं पर खास चर्चा की हमारे संपादक सुनील जोशी ने। देश में इस समय लग्जरियस लाइफस्टाइल का जमाना है, कई तरह की बसें आपको देखने को मिलती है, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 2 करोड़ की बस के अंदर मोटरसाइकिलें सवार हो यात्रियों की जगह। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2 करोड़ की बस के अंदर मोटरसाइकिलें सवार है, तो क्या वो माजरा हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? हाय, मैं वर्षिता जोशी हूँ, टाइगर हार्ले डेविडसन इंदौर से। वर्षिता, ये क्या माजरा है, किस तरह से कंपनी ये एक्टिविटी कर रही है, क्या प्रमोशनल एक्टिविटी का पार्ट है? जी, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि टाइगर हार्ले डेविडसन का शोरूम पूरे MP में सिर्फ एक ही है, इंदौर वेलोसिटी कॉम्प्लेक्स में। तो ये जो बस है, ये इम्पोर्टेड बस है, ये DC ने बनाई है खास हार्ले डेविडसन के लिए। तो ये हम हर जगह कवर कर रहे हैं, इससे MP में छोटी छोटी जगह जैसे नीमच, मंदसौर, रतलाम और ग्वालियर वगैरह सब कुछ हम इससे कवर करेंगे। और इसी में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी हमारी बाइक्स हैं, टेस्ट राइड्स हो सकती हैं इससे, और इसी चीज़ के लिए ये बस। देखिए, जैसा वर्षिता ने बताया आपको कि ये DC ने डिजाइन की, DC यानी कि दिलीप छाबड़िया, जो देश के जाने माने ऑटो डिज़ाइनर हैं, तरह तरह की गाड़ियों को वो डिज़ाइन करते हैं और उनकी गाड़ियों की डिमांड पूरे देश में नहीं विदेशों में भी होती है। जिस तरह से आपने बताया DC ने डिज़ाइन की, तो इसके पीछे कंपनी का प्लान क्या था? ये मर्सिडीज बेंज 2 करोड़ की बड़ी गाड़ी है जिसको डिज़ाइन किया गया है, इसके पीछे सोच क्या थी? एक्चुअली हार्ले डेविडसन वर्ल्ड की सबसे बड़ा ब्रांड है। अगर हम टू व्हीलर सुपर बाइक्स की बात करें तो हार्ले डेविडसन इज़ द मोस्ट बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, तो उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए DC से ही डिज़ाइन किया था, क्योंकि हार्ले डेविडसन इज़ द मोस्ट पॉपुलर बाइक्स। सही बात है, लेकिन आप इस बात से कितने सहमत हैं कि इस तरह के ब्रांड्स को खरीदने के लिए आपकी पॉकेट में पैसा काफ़ी होना चाहिए? आम आदमी के लिए ये बाइक्स नहीं है। सर, ये आम आदमी के लिए बिल्कुल है, क्योंकि हमारा एक सबसे बेसिक मॉडल है स्ट्रीट 750, जो खासकर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर और असेंबल हुआ है, और वो आपको पड़ता है 6 लाख ऑन रोड का। तो वो हार्ले का फील सारे लोगों को देने के लिए खास उस मॉडल को डिज़ाइन किया हुआ है। सो ज़्यादा आपके, अगर हम मॉडल्स की बात करें, आपने कहा 6.5 लाख के लगभग की पहली शुरुआती बाइक होती है, तो ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? हमारा जो शुरुआती मॉडल है स्ट्रीट 750, वो आपको पड़ता है 6 लाख रुपए का ऑन रोड, और ख़त्म होती है इंडिया में हमारी बाइक्स 58 लाख ऑन रोड पर CVO लिमिटेड।